उनको शाम को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। उनकी आई का प्रेशर सामान्य से 10 गुना ज्यादा था। कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैं दुख के साथ कहूं कि अगर राजनीति का स्तर अब ये हो गया तब तो बहुत मुश्किल हो, राजनीति करना मुश्किल है। बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, आपके लिए ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के का अगर किसी को ब्रेन कहा जाता है पार्टी के अंदर तो कहते हैं कि वो मनोज झा जी हैं। मैं आपको कहूं, इससे ज्यादा मिथ्या बात कोई नहीं हो सकती है। लोग उनके कोई बड़े भाषण लिखने हो तो वो मनोज झा लिखते हैं। मैं आपको आपके समक्ष दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग तेजस्वी जी और उनकी टीम को नहीं जानते हैं, दूर खड़े होकर के कोई पूर्वाग्रह से भरी टिप्पणियां कर दें, मैं समझता हूं समकालीन दौर में मैंने जितने भी नेताओं के साथ काम किया है या करीब से देखा है, तेजस्वी जी की एक क्वालिटी को लोग नहीं जानते। सबसे बड़ी क्वालिटी है कि नेता बोलने में यकीन करता है, वो सुनते बहुत, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग से आया हुआ हो, किसी भी समूह से, ट्रेड यूनियन का हो, किसान हो, छात्र हो, वो सुनते हैं और फिर अपना मिजाज तय करते हैं। तो ये जो मैं समझता हूं कि ये जो चीजें कही जाती हैं, ये वही लोग कह सकते हैं जिनको एक तो राजनीति की समझ नहीं है, दूसरा उस व्यक्ति की समझ कतई नहीं। नहीं, ये बात तब निकल कर सामने आई थी, मुझे वो इंसिडेंट याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे विधान सभा में और शताब्दी समारोह चल रहा था और उस दौरान तेजस्वी यादव उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, इस लहजे से वो आए थे और एक स्पीच थी उनकी 2 मिनट की जिस दौरान वो 6-7 बार अटक गए थे। हालांकि कई तर्क दिए गए, लेकिन बाद में जब लगातार ये बातें होने लगी कि आखिर ये भाषण किसने लिखा और ऐसे क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल किसने किया था। माफी के साथ एक बात मैं अभी कहूं आपसे कि एक ऐसा पहलू है जिसके बारे में मैं स्टूडियो में नहीं बोलना चाहता। उनको शाम को डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। उनकी आई का प्रेशर सामान्य से 10 गुना ज्यादा था। कुछ भी हो सकता था। आई के प्रेशर की जाँच की एक मशहूर डॉक्टर है जो पहले एम्स में थे, अभी पटना में है, और उसके बावजूद, क्योंकि हम तो इसको इश्तहार की तरह कहते नहीं, हम तो उस तरह के लोगों में नहीं, ये तो पहली बार सामने आ रही है। मैं कह रहा हूं कि ये पहली बार इसलिए सामने आ रही है कि मेडिकल कंडीशन को हम पब्लिक डोमेन में क्यों ले जाए। हम वैसे लोगों में तो नहीं है कि पुलिया पे खड़े होकर कह देंगे, मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया। ये फर्क है एक मेच्योर पॉलिटिशियन का, और उस दिन जो हुआ वो उसी की वजह से कि मैसिव प्रेशर था, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, और वो सारी चीजें मेडिकल हिस्ट्री का हिस्सा है, बाद में दवाइयां चली। लेकिन मैं दुख के साथ कहूं कि अगर राजनीति का स्तर अब ये हो गया तब तो बहुत मुश्किल होगी, राजनीति करना मुश्किल है, लोकतंत्र बीमार हो चला है फिर।